الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سال کے बारह महीने होते हैं और चांद के हिसाब से ये ग्यारहवा महीना चल रहा है। आज हमारे और आपके मुल्क में इस महीने की 27 तारीख है कि 27 27 तारीख है। इमाम साहब बोल रहे हैं 28 महीना जल्दी पूरा करके तनख्वाह लेना है, इसलिए बाकी आज 27 तारीख है और ज्यादातर कैलेंडर में 29 का महीना है। इतवार को 29 तारीख है और अल्लाह ने अगर चाहा तो पीर को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। ज्यादातर कैलेंडर में यही लिखा है और ज़िलहिज्जा के महीने को बड़ी फजीलत हासिल है। एक फजीलत तो ये है कि साल के जो 12 महीने हैं उनमें से 4 महीने खास तौर पे अशहुरे हराम कहा जाता है इनको, यानी एहतराम वाला महीना, इज्जत वाला महीना। ये 4 महीने ज़िलक़ादा, ये जो महीना चल रहा है इसके बाद जो महीना आएगा ज़िलहिज्जा और फिर उसके बाद जो महीना आएगा मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार है और चौथा महीना है रजब। रमजान से पहले महीना जो है वो है शाबान और उससे जो पहले है वो है रजब। ये 4 महीने अशहुरे हुरम और अशहुरे हराम कहा जाता है। कुरान ने भी इन 4 महीनों का नाम तो नहीं लिया लेकिन इसकी तरफ इशारा किया है और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीनों को नाम लेकर फिक्स किया है, हदीस के अंदर मौजूद है। तो एक फजीलत तो यह है कि ये इज्जत और एहतराम वाला महीना है। ज़िलहिज्जा को दूसरी फजीलत ये हासिल है कि ये अशहुरे हज में से है। हज के 2 महीने और 10 दिन हैं। الحج اشہر معلومات، قرآن میں آیا کہ حج کے مہینے متعین ہیں، حج کا مہینہ فکس ہے اور حج کا مہینہ فکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اشہر حج، حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کوئی حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ حج کا احرام اگر باندھنا ہے تو حج کے مہینے ہی میں باندھنا ہے اور وہ حج کا مہینہ کیا ہے؟ شوال یعنی رمضان کے بعد والا مہینہ اور ذیقعدہ اور ذیلحجہ، یہ اشہر حج ہے یعنی حج کے یہ مہینے ہیں اور خاص طور پہ ذیلحجہ کے اندر حج کو انجام دیا جاتا ہے، حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ تو دوسری فضیلت یہ حاصل ہے۔ تیسری فضیلت ذیلحجہ کے مہینے کو قرآن کریم کے 30 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 رات کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ 10 رات کون سی راتیں ہیں؟ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا ہے کہ 10 رات سے مراد
जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अय्याम है, दिन है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान फरमाया कि इन 10 दिनों में, यानी हमारे और आपके यहाँ इंशाअल्लाह सोमवार से शुरू होगा और अगला सोमवार आएगा, फिर मंगल, फिर बुध, जिस दिन ईद उल अज़हा और कुर्बानी का दिन होगा, तो इस सोमवार से लेकर कुर्बानी के दिन तक 10 जिलहिज्जा तक अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर इबादत करना अल्लाह को इतना प्यारा और पसंदीदा है कि किसी और दिन में इबादत करना अल्लाह को इतना प्यारा और पसंदीदा नहीं है। इसी तरह से एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिलहिज्जा के जो 10 दिन है, अगर कोई एक दिन रोजा रखेगा तो उसको 1 साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। 1 दिन रोजा रखेगा तो 1 साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। और ये सिलसिला कब तक है? 8 जिलहिज्जा तक है। फिर उसके बाद नवी जिलहिज्जा यानी अरफा का जो दिन होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा 9 जिलहिज्जा को रोजा रखे, मुझे अल्लाह की जात पर कभी उम्मीद है अल्लाह की जात से कि उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले, यानी पहले का 1 साल और आने वाला 1 साल, मुकम्मल 2 साल के गुनाहों का कफारा होगा। यानी 9 जिलहिज्जा को जो रोजा रखेगा, अल्लाह अपने फजल और करम से उस रोजा रखने वाले के 2 साल के गुनाहों को माफ फरमाएगा। ये हदीस में आया है और बिल्कुल सही हदीस है, लिहाजा हमें और आपको इन 10 दिनों की खास तौर पे कदर करनी चाहिए। अलबत्ता 10 जिलहिज्जा को, 11 जिलहिज्जा को, 12 और 13, इन 4 दिनों में रोजा रखना हराम है। साल, पूरे साल के अंदर सिर्फ 5 दिन ऐसे हैं कि जिनके अंदर रोजा रखना हराम है। अगर कोई रोजा रखेगा तो गुनाह होगा। उनमें से 4 दिन तो यही हुए, 10, 11, 12, 13 जिलहिज्जा और 1 ईद उल फितर का दिन। 5 दिनों में रोजा रखना हराम है। तो ये जिलहिज्जा के जो 10 दिन हैं, खास तौर पे बड़ी फजीलत वाले दिन है। सोमवार से ये दिन शुरू हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज्यादा से ज्यादा इन दिनों के इहतिमाम की, इन दिनों के अंदर इबादत वगैरह अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। असल में ये जो खास तौर पे जिलहिज्जा के 10 दिन हैं, इन दिनों के अंदर खुसूसन जो आमाल अहादीस से साबित है, उनमें से एक अमल, पहला अमल तो यह है कि रिवायत में आता है कि जब जिलहिज्जा का चांद निकल आए और तुमको कुर्बानी करने का इरादा है, तुम कुर्बानी करने का इरादा रखते हो, तो जिलहिज्जा का चांद निकलने के बाद अपने बाल, नाखून वगैरह को मत काटो। याद रखिए, ये हदीस से अमल साबित है और जो आदमी इस पर अमल करेगा वो सवाब का सही होगा। लेकिन उलमाए किराम ने लिखा है कि ये अमल मुस्तहब है। अगर के बाद हजरात ने इसको वाजिब भी करार दिया, लेकिन हमारे और आपके उलमा ने इस अमल को मुस्तहब करार दिया। जो आदमी इस अमल को करेगा सवाब का मुस्तहिक होगा, नहीं करेगा कोई गुनाह नहीं होगा। ये जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिलहिज्जा का चांद निकल आए और कुर्बानी का इरादा हो, तो तुम अपना नाखून या अपना बाल, दाढ़ी, मूंछ वगैरह के जो बाल हैं, ये मत काटो। ये क्यों है? हकीकत में, असल में ये एक शबाहत है, मुशावहत इख्तियार करना है। किसके साथ? हाजियों के साथ।
अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको तौफीक दी और जिनको अल्लाह ने बुला दिया वो अल्लाह के दरबार में पहुंच गए या पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं जा सका, चाहे जिस वजह से भी हो, हर एक के दिल में ये तमन्ना और ख्वाहिश होती है, चाहे दुनिया का पापी से महापापी इंसान क्यों ना हो, वो जरूर ये चाहता है कि अल्लाह मुझे भी अपने दरबार में बुला लिए, मैं भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचूं और वहां जाकर रोज़े रसूल के सामने पापी से महापापी इंसान भी इसकी ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा हो और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वहां जाकर पढ़े और उस पढ़ने का जो लुत्फ और मजा आएगा वो एक अलग ही लुत्फ होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया के तमाम ईमान वालों को बार बार मकबूल हज और उमरे की तौफीक नसीब फरमाए। सब लोग आमीन कहिए। याद रखिए, यहां पर मैं एक बात और बताऊं। बाद लोग ये सोचते हैं कि क्या मौलाना साहब मुझ जैसा गरीब आदमी भी हज में जा सकता है। गुर्बत ये हज को जाने से माने हो ऐसी बात नहीं है। गरीब से महागरीब को भी अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया और नवाब से महानवाब बड़े बड़े मालदार भी अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंच पाए। ये सब के सब तौहीद के खुदावंदी है। बुजुर्गों ने खास तौर पे दो अमल लिखा है जो हर कोई उस अमल को कर सकता है। इसी नीयत से कीजिए, इंशाअल्लाह हो सकता है कि माल दौलत की कमी हो, लेकिन अल्लाह बादशाहों के बादशाह है, अल्लाह गैब के खजाने से इंतजाम फरमाएगा। हज में जाने का अगर दिल में शौक है और वाकईतन शौक है, एक अमल ये कीजिए कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़िए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर हालत में, हत्ता के अगर नापाक भी है तो भी पाकी जल्दी हासिल कर लिया जाए। लेकिन नापाकी की हालत में भी अगर कोई दुरूद पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। कसरत से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं वो पढ़िए, मुख्तसर दुरूद है वो पढ़िए, नहीं पूरा पढ़ सकते हैं तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते इस दुरूद का विर्द कीजिए, नंबर एक। दूसरा अमल यह है कि हज के नाम पर एक डब्बा तैयार कीजिए। जैसे बच्चे तिजोरी लेते हैं, आजकल टीन का डब्बा बना लेते हैं, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए का सिक्का उसमें डालते हैं, इसी तरह से हम में से हर कोई एक डब्बा बना कर रखे और हज की नीयत से चाहे 1 रुपये ही क्यों ना हो, 5 रुपये 10 रुपये क्यों ना हो, जब तौफीक दे अल्लाह, जब मौका मिले, जब याद आए, उस डब्बे में रख दीजिए। आपके दिल में ये ख्याल आ सकता है कि ये मौलाना साहब बच्चों को लगता है समझा रहे हैं, एक डब्बे में 1,000 2,000 सिक्के आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बुजुर्गों का ये तजर्बा क्या हुआ अमल है कि 1,000 2,000 आपकी नजर में है, हमारी नजर में है, उनकी नजर में है, लेकिन अल्लाह ताला उसी 1,000 2,000 को 1,00,000 2,00,000 में बदल के देगा। और कैसे देगा, आप जब इस अमल को करेंगे तब एहसास होगा। तो ये दो अमल हम में से हर आदमी करें और अल्लाह ताला से दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने दरबार में और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास और उसी तरह से मस्जिद नबवी की हाजिरी के लिए हम सबको बार बार बुलाए। तो ये जो ज़िलहिज्जा के का पहला अमल मैंने बताया कि जब ज़िलहिज्जा का चांद निकल आए, मैंने ये बताया कि ज्यादा इम्कान है कि इन साल इतवार को चांद होगा। इतवार को अगर चांद होता है तो शनिचर इतवार 2 दिन है हमारे और आपके पास, लिहाजा इस अमल को अंजाम देने की कोशिश की जाए, नंबर एक। दूसरा अमल मैंने जिमनन बतला दिया कि ये जो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोजे के अंजाम है, इनमें से जितने दिनों की तौफीक मिल जाती है रोजा रखने की कोशिश की जाए। अगर किसी को परेशानी है, नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखने का इहतमाम कीजिए। बहुत सवाब वाला अमल है और अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ करने के लिए
बहाना तलाश करता है, रहमत हक बहाना भी जोयत बहाना भी जोयत। पारसी का एक जुमला है कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करने के लिए, अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने के लिए बहाना तलाश करता है कि मेरा बंदा किसी तरह से मेरे पास आ जाए, मेरा बंदा किसी तरह से मेरे से मेरे सामने छुप जाए और मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं। बहार नहीं जोयत, अल्लाह ताला ये नहीं देखता है कि इन्होंने तो दो रकात नमाज पढ़ी और उन्होंने 200 रकात नमाज पढ़ी, 200 रकात नमाज पढ़ने वाले को माफ कर देगा अल्लाह और 2 रकात पढ़ने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत बहाना तलाश करती है। उन्हीं बहानों में से अल्लाह ताला ने रमजान का महीना दिया, अल्लाह ताला ने आखिरी अशरा रमजान का दिया, अल्लाह ताला ने जिलहिज्जा के 10 अय्याम दिए और दीगर इबादतों के अय्याम। लिहाजा हम और आप कोशिश करें। तीसरा अमल जो इंशाअल्लाह अगले जुमा की आपको बतलाया जाएगा कि जिलहिज्जा की जब 9 तारीख हो जाएगी तो फजर के वक्त से लेकर 13 जिलहिज्जा के असर तक तकबीर तशरीफ हर फर्द नमाज के बाद बुलंद आवाज से, बुलंद का मतलब चीख कर रहे, ऐसी आवाज के आसपास के लोग सुन ले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीफ पढ़ना वाजिब है। मर्द हजरात नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, किसी न किसी को याद आ जाता है, लेकिन औरतों को याद नहीं आता। हम में से हर कोई जिसके घर की औरतें नमाज पढ़ती है, जरूर ही जरूर अपने घर की औरतों को बताएं, उनके लिए भी तकबीर तशरीफ वाजिब है। उसके बाद खास जो अमल है वो कुर्बानी का अमल, कुर्बानी का अमल 10, 11, 12 जिलहिज्जा, ये 3 दिन कुर्बानी के हैं। कुर्बानी की बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह आप आइंदा जुमा को या उसके बाद भी सुनेंगे, लेकिन इतनी बात याद रखिए, कुरान ने कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। अल्लाह को न तो हमारे और आपके गोश्त की जरूरत है, न ही अल्लाह को जानवर के खून की जरूरत है, अल्लाह ताला को दिल के इखलास और तक्वे की जरूरत है। हमने बड़ा कीमती जानवर लिया सिर्फ इस नियत से ताकि लोग कहेंगे कि वाह मौलाना साहब का बकरा तो बहुत मजबूत है, मौलाना साहब का जानवर तो बहुत मजबूत है। अगर हमने ये नियत की तो इखलास वाला ये अमल नहीं होगा, दिखावे वाला रियाकारी वाला अमल होगा। और जिस तरह से बुत की इबादत करना शिर्क है, इसी तरह से रियाकारी करना ये भी शिर्क है, अगर ये छोटा शिर्क है। तो हमारा और आपका अमल खास तौर पे जानवर को खरीदने के सिलसिले में बहुत मरतबा दिल में ख्याल आता है कि मेरे भाई ने 10,000 का बकरा खरीदा, मैं 12,000 का खरीदूंगा, ताकि लोग ये कहें कि उनकी उनसे ज्यादा मैं कमाता हूँ, मेरी आमदनी है। आप 12 नहीं, आप 12 लाख का जानवर खरीदिए, लेकिन इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं। और ये भी दूसरी बात ये याद रखिए, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, वो ये है कि ज़कात जिसके ऊपर वाजिब है, कुर्बानी तो वाजिब है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला खास तौर पे याद रखना है कि बहुत मर्तबा लोग ये समझता है कि मेरे ऊपर तो ज़कात नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो निसाब है साल नहीं गुजरा, अचानक अभी मेरा बिजनेस एक हो गया, कारोबार हो गया, या मेरी एक जमीन थी मैंने 1 लाख में वो जमीन बेच दिया, अभी 2 दिन पहले तो मैंने जमीन बेचा है, साल गुजरेगा तब इसके ऊपर जकात। लेकिन कुर्बानी के लिए साल गुजरना जरूरी नहीं है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है और कल बेचा और आज कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी के दिन अगर किसी के पास निसाब के बकदर माल हो जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह से ये भी याद रखिए, अगर किसी के पास 2 मकान है, 1 मकान में वो रखता है और 1 मकान वैसे ही खाली पड़ा है, बच्चे बड़े होंगे तब इन बच्चों को वहां शिफ्ट करेंगे, उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है।
ये मत समझिएगा कि चूंकि वो जकात में उसका निसाब नहीं ऐड होता है तो कुर्बानी में उसका निसाब ऐड नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इस्तेलाही तौर पर वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसमें बड़ी तफसील हो जाएगी। खुलासा कलाम ये है कि ये जो दो तीन बातें मैंने बतलाई, इस हिसाब से हर आदमी अपने माल को देते और उलमाए किराम से साफ तौर पर जाकर मसला मालूम करे। कुर्बानी अगर वाजिब हो जाती है, मैंने बिल्कुल शुरू में कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा पढ़ा था, ये जो कुर्बानी है हकीकत में ये भी माल का एक शुक्राना है। हज की इबादत की तकमील पर कुर्बानी अदा की जाती है, अल्लाह के बारगाह में गोया के शुक्र अदा किया जाता है। लेकिन शकर तुम लअज़ीदन्नहुम, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और दूंगा 2,000-3,000 बल्कि उससे भी कम में आपका कुर्बानी का एक हिस्सा हो सकता है। कुर्बानी को अदा करने की, कुर्बानी करने की पूरी कोशिश कीजिए और इसका इहतमाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर